अब आवाज आ रही है बिल्कुल यस बच्चों तो क्या सभी बच्चे सुन पा रहे हैं आवाज हमारी प्रॉपर हो गई है और अब हम आते हैं अपनी स्लाइड पे सब बच्चे मुझे बताएं आवाज आपको प्रॉपर आ रही है ऑडिबल है अब सब कुछ अब जरा चेक करें अब ये ठीक चल रहा है ओके बच्चों भी प्रॉपर है अब क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर को देखेंगे सब लोग और मुझे बताएंगे सेवेंटी फोर के थ्रू के इसमें हमारा आंसर होना क्या चाहिए कल जहां तक मुझे याद है कि हमने इसका बच्चों आंसर लगाया था ए बट ए इज नॉट द करेक्ट आंसर उसमें गलती रह गई और वो सबसे बड़ी गलती क्या थी ए में कि जो परहेप्स यहाँ पे लिखा है ये जो बच्चों परहेप्स लिखा है जिसको हमने इन्वर्टेड कोमास में अंदर लिया इसके बाद भी कोमा आएगा यानी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट जो बनेगा वो बी बनेगा पकड़ पा रहे हैं सब बच्चे तो ध्यान से देखेंगे आप लोग के आंसर हमारा बनेगा यहां पे बी देखो मैं फिर से बता रहा हूं ये जो परेप्स हमने लिखा बच्चों ये बिल्कुल ठीक है परहेप्स कोमा क्राइड ही है ना तो परहेप्स के साथ में कोमा जरूर आना है तो आंसर इस वजह से बी बनेगा ऊपर वाले में कोमा नहीं है बाकी सब सेम है है ना तो आंसर हमारा क्या बन गया इसमें बी बस ये याद रखेंगे अगले क्वेश्चन को अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव की बात करूं कि ऑल दैट आई एम ऑल दैट आई होप टू बी आई ओ ये बिल्कुल सही था आंसर हमारा इसका क्या है ए यानी कि इसमें पहला कोमा लगेगा दूसरा कोमा और लास्ट में भी इसमें फुल स्टॉप होगा बस तो 75 का आंसर ए जाएगा लेकिन अब हमारे पास आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 76। ये आपको बताना है अगर हम इसमें पंक्चुएशन देखें द ह्यूमन माइंड इज नेवर स्टेशनरी इट एडवांसेस और रेट्रोग्रेड सेंटेंस सेम है बस क्या हुआ है यहां पर सेमी कॉलन है और यहां पर फुल स्टॉप है सेकेंड वाले में यहां पे कोमा है और यहां पे कुछ भी नहीं है तो देखो यहां पे कुछ नहीं है तो, तो गलत हो गया अब इसमें देखो इसमें कुछ कोमा भी नहीं है और ना ही कोमा यहां पे दिया है तो बच्चों ये भी गलत हो गया ह्यूमन माइंड इज नेवर स्टेशनरी बीच में कुछ भी नहीं है लास्ट में ये भी गलत तो आंसर हमारा एग्जैक्टली exactly क्या जाएगा हंड्रेड परसेंट बनेगा बिल्कुल करेक्ट हो गया है समझ में आई बात आपको अच्छा पंक्एशन रिचार्ज समझ में नहीं आता है देखो एक एक पॉइंट करके आप समझ लो इसको जैसे यहां पे मैंने बताया द ह्यूमन माइंड इज नेवर स्टेशनरी है ना इसी बात को आगे फिर से कहा गया कैसे कहा गया कि इट एडवांसेस और रेट्रोग्रेड्स या तो एडवांस होता है रेट्रोग्रेड होता है इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन माइंड स्टेशनरी तो इसी बात को आगे कंटिन्यू किया गया है लेकिन अलग परस्पेक्टिव से तो इसलिए यहां पर सेमिकोलन बनेगा तो आंसर हमारा क्या जाएगा ए अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन पे आते हैं मैं आपको बता दू ये प्रोवर्ब्स हैं जैसे ये जो है ये बच्चों शेक्सपियर की है स्मॉल सर्विस इज ट्रू सर्विस है ना और वहां पे लिखा हुआ है वाइल इट लास्ट है ना वाइल लेकिन वाइल इसमें कुछ है ही नहीं इसने क्या पूछा है एंड इफ देन या फिर फोर तो बच्चों बताओ अगर वाइल ना हो तो हम इसमें लगाएंगे क्या क्या करेक्ट होना चाहिए एग्जैक्टली exactly, अर्चना करेक्ट बात है ये फोर होना चाहिए देखो भाई बच्चों सीधी सी बात है अगर मैं कहूँ स्मॉल सर्विस इज ट्रू सर्विस तो अगर मैं कहूं कि एंड इट लास्ट इफ इट लास्ट देन इट तो इसका मीनस है फोर क्योंकि ये फोर किसका आंसर दे रहा है यहां पे बिकॉज का स्मॉल सर्विस ट्रू सर्विस है क्योंकि ये लॉन्ग लास्ट करती है इट लास्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट अगेन एक फ्रेज है फॉर गिव फॉर गिव अस आर डेट्स वी फॉर गिव आर डेटर्स तो बताओ क्या इसमें फोर आएगा विच आएगा देन आएगा या फिर बच्चों एज बनेगा मतलब इस को आप ये देखो कि किस वे से आप यहां पे यूज कर सकते हैं कैसे लगा सकते हैं अरे वाह बिल्कुल रचना आरूज, करेक्ट बात है। ये आंसर हमारा ए जाएगा श्वेता प्रिशा डंज रूबी बहुत अच्छे ये बच्चों हमारा आंसर डी बनेगा एज आएगा यहां पर फॉर गिव अस आर डेट्स हमारे डेट हमें छोड़ दो जैसे हम अपने डेटर्स को छोड़ते हैं फॉर करते हैं तो यहां पे एज बनेगा जैसे कि अगले क्वेश्चन पे आएंगे सेवेंटी नाइन पे अब आप देखो आपका ये क्वेश्चन है बेसिकली लिटरेचर से कहता है द पोएटिकल स्केचेस इज अ कलेक्शन ऑफ है ना अर्लीस्ट पोएट्री तो क्या विलियम वर्ड्सवर्थ की विलियम ब्लेक की रॉबर्ट बंस की या फिर बच्चों रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इनमें से किसकी अर्ली पोएट्री का कलेक्शन पोएटिकल स्केचेस है ये आपको आंसर करना है सेवेंटी नाइन का ए आपने कहा है ओके अर्चना श्वेता सब वर्ड्स वर्थ कह रहे हैं ठीक है जी बाकी बच्चे बताए आरूज ने डी कहा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ओके बच्चों ध्यान से देखो जब आप पोइटिकल स्केचेस की बात करेंगे तो यह पोइट्री कलेक्शन बेसिकली विलियम ब्लेक का है ना कि हमारे उनका जो है is, लिरिकल बैलेट्स डेस्क्रिप्टिव स्केचेस है यह भी बात बिल्कुल सही है तो इट इज विलियम ब्लेक नॉट विलियम वर्ड्स राइट बच्चो अगर मैं यहां पर कहूं तो विलियम ब्लेक एंड रॉबर्ट बंस ये सब एक ही लाइन में आते हैं जहां पे थॉमस ग्रे है नहीं, नहीं 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 एक मिनट हां ठीक है थॉमस ग्रे ब्लेक बर्न्स और हमारे कॉपर विलियम कॉपर ये सारे एक लाइन में आते हैं यस बच्चों बहुत अच्छे अगले और बाकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करें तो बच्चों वो कौन है एक अमेरिकन पोएट क्वेश्चन नंबर आता है एटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस वर्क बाय डेनियल डिफो बहुत इंपॉर्टेंट है एटीन सेंचुरी डेनियल डिफो जिन्होंने कैसे लिखा था कि भाई नीचे वाले लोअर क्लास से अपर क्लास में जाने के कई सारे तरीके हैं लेकिन यहां पे जो तरीके हैं वो कैसे डेंजरस वेज है ना उसी पे लिखे डेंजरस वेज पे ये सारे के सारे नॉवेल्स हैं तो कहता है इनमें से कौन सा है रॉबिन्सन क्रूजो न्यू एटलांटिस विलड्रेम्स प्रोग्रेस या फिर अनफॉर्चुनेट ट्रेबरर वेरी गुड जया बिल्कुल ठीक है श्वेता जया ठीक है ठीक है बिल्कुल बच्चों तो ये रॉबिन्सन क्रूजो है है करेक्ट बात है? सब बच्चों को पता है कि रॉबिन्सन क्रूजो कितना जबरदस्त वर्क था लेकिन क्या कोई मुझे बता सकता है कि रॉबिन्सन क्रूजो जो कि डेनियल डिफो ने लिखा था इसे बच्चों इनसे पहले कौन लिख चुका था कास्टावे के नाम से कास्टावे के नाम से या फिर इसका एक अदर नेम था कास्टावे या फिर इसको कहते थे आ, कुछ और भी कहते थे एक और नेम था बताओ किसने लिखा था डेनियल डिफो से पहले मतलब उसी कहानी को डेनियल डिफो ने रोबिन्सन क्रूजो के नाम से उतार दिया था ठीक है ठीक है तो ये कास्टावे बच्चों लिखा गया था विलियम कॉपर का सी ए यू पीई आर तो विलियम कॉपर का लिखा गया था कास्टावे और इसी को फिर इन्होंने ने डेनियन क्रूजो बनाया था बाकी न्यू अगर आप देखेंगे तो इट इज़ अ फेमस वर्क रिटर्न बाई बैकन याद आ रहा है सब बच्चों को बताओ पिलग्रिम्स प्रोग्रेस किसका वर्क है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर किसका वर्क है अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर या फिर हम कहते हैं द लाइफ ऑफ विल्टन है ना कुछ ऐसी करके है बैनियन का बहुत अच्छे बच्चों ये बैनियन का है और नीचे वाला किसका है नीचे वाला अगर अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर आप देखेंगे तो ये सेवन यूनिवर्सिटी विट्स में से एक है थॉमस नेश।, नेश का तो है नेश का है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर बिल्कुल ठीक है थॉमस नेश ही है तो थॉमस नेश आप देखेंगे और यहां पे बेनियन देखेंगे यहां पे बैकन देखेंगे और सबसे ऊपर वाला डेनियल डिफो का है ऐसे भी क्योंकि सारे के सारे वर्क बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट हैं नेश का है बिल्कुल ठीक है याद आ गया अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 कहता है कि जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही अस जस्ट फॉर अ राइबेंड टू स्टिक टू हिज इन हिज कॉट दीज लाइंस आर फ्रॉम द लॉस्ट लीडर ये कहां से ली गई है बच्चों द लॉस लीडर से कहता है किसने लिखी है जी ब्रिजराज, बिल्कुल सही बच्चों रॉबर्ट ब्राउनिंग इट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग हु हैज रिटन दिस पर्टिकुलर वर्क लेकिन बात ये समझ में आती लॉस लीडर कह किसे रहे हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग द लॉस लीडर में किसको लोस लीडर कह रहे हैं ये तो समझ में ही नहीं आया हमें रिचा आप मुझे याद दिलाएंगे वर्ड्स वर्थ को बहुत अच्छे बच्चों तो ये लॉस्ट लीडर कोई और नहीं है बल्कि हमारे वर्ड्स वर्थ हैं और जानते हो क्यों हैं क्योंकि ये पोएट लॉरिएट बन गए थे नंबर वन और नंबर टू बच्चों इन्होंने आ, है ना क्या थे वो स्टैंप डिस्ट्रीब्यूटर स्टैंप डिस्ट्रीब्यूटर का काम मतलब ये एक पोस्ट ले ली थी इन दो पोस्ट की वजह से ही हैड बिन वो गवर्नमेंट के साथ में है मुनाक के साथ में है दैट्स वाई ही हैड कॉल्ड द लॉस्ट लीडर स्टैंप डिस्ट्रीब्यूटर बिल्कुल ठीक है बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं एटी टू विच ऑफ द फॉलोविंग इज अ फेमस वर्क बाय सैमुअल टेलर कॉलरेज तो इनमें से कौन सा सैमुअल टेलर कॉलरेज का एक फेमस वर्क है द प्रिल्यूड लिरिकल बैलेट्स राइम ऑफ द ancient मैरिनर या फिर बच्चों थालाबा राइट बच्चों बहुत अच्छे राइम ऑफ द ancient मैरिनर या फिर मैं कहूं कुबलाखा या फिर मैं कहूं किस्टाबेल ये तीनों ही वर्क ही। किसकी है वर्ड्स की और ये जो लिरिकल बैलेट्स हैं ये वर्ड्स प्लस कॉलरिज दोनों की हैं ये दोनों का बच्चों कंबाइंड वर्क है और ये नीचे थलाबा किसका है हमें तो ये ध्यान ही नहीं आ रहा है हु हैड रिटन थलाबा यह सरचना यही तो क्वेश्चन है ये बच्चों थलाबा किसने लिखा है देखो मुझे जो याद आ रहा है बच्चों वो सऊदी याद आ रहा है आई आई डोंट नो आगे रॉबर्ट सऊदी ने ये लिखा था थलाबा बाकी देख के बताएं सब बच्चे अच्छा आरूज ने कह दिया रॉबर्ट सऊदी बिल्कुल ठीक है तो ये सऊदी ही है बिल्कुल ठीक है याद आ गया सब बच्चों को वेरी गुड बच्चों अगले क्वेश्चन को देखेंगे विच ऑफ द फॉलोविंग वर्क हैज दिटाफर ऑफ एल्बेट्रूस कौन से वर्क में एल्बेट्रूस मिटाफर की तरह से यहां पे यूज हुई है है ना एल्बेट्रूस को एल्बेट्रूस कौन एक बर्ड है एज अ मिटाफर यूज हुई है. <coughs> बहुत अच्छे आरूस <coughs> ये हमारी है राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर याद आ गया सब बच्चों को बहुत अच्छे सभी ने करेक्ट जवाब दे दिया है हाँ टफ ज्यादा तो टफ नहीं है रिचा ऋषा बिल्कुल ठीक है राइम ऑफ द एंसियन मैंडर सबको पता है कि राइम ऑफ द एंसियन में ये मैरिनर यहां पे खड़ा हुआ है आते हुए तीन वेडिंग गेस्ट में तीनों को पकड़ लेता है उनमें से एक को कर लेता है उसके बाद अपनी पूरी कहानी सुनाता है कैसे कैसे मैंने को मार दिया उन्होंने उन्होंने और जो अदर से उन्होंने इसके गले में उसको एलबर्ट रोज की माला बना के पहना दी है ना वो कर्स इसके ऊपर आया और फिर कैसे कैसे इन्होंने इस लास्ट में जाके पोलर पे जाके आ, आ, एक पर्सन से मिलता है वहां जाके बचता है फिर इसे अपनी कहानी सुनानी होती है इस वेडिंग गेस्ट को सुना देता है यही कहानी इसमें आती है राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर जी बच्चों अगले क्वेश्चन को देखो अथिंग ऑफ ब्यूटी इज अ फॉर एवर बच्चों ये जो पहला दिया ना अथिंग ऑफ ब्यूटी ये आपके केवीएस में भी है आप देखो यहां अ जॉय फॉर एवर तो ये लाइन किस फेमस वर्क की है एंडीमियन की ऑडोनग्रेसियन ऑटम या फिर ओ टू तो नाइट एंगल एग्जैक्टली बच्चों एंडीमियन और लिखी किसने थी एंडीम हम तो ये भूल ही गए ये बच्चों लिखी थी जॉन कीट्स ने तो जॉन कीट्स वॉज देयर और इसी वर्क की वजह से जॉन कीट्स का बच्चों भयंकर क्रिटिसिज्म होता है क्या होता है क्रिटिसिज्म और इस क्रिटिसिज्म की वजह से उन्होंने कंजम्पशन डेवलप कर लिया एंड दैट्स व्हाई ही डाइड है ना कैसे कैसे इस वर्क की वजह से इनको क्या क्या नाम दिए गए थे इनको कहा गया था कोकनी पोएट्स क्या कहा गया था बच्चों कोकनी पोएट्स जिसमें जिसमें और कौन कौन थे एक कीट्स हैं हमारे और बायरन थे और बच्चों हंट इनके सरदार थे हंट है ना तो हंट को लिया किड्स को लिया बायरन को लिया इन सबको ही कॉकनी पोएट्स कहा गया और इनके वर्क को बच्चों कॉकनी कॉकनी पोएट्री कहा गया बिल्कुल सही बात है क्वार्टरली मैगजीन एग्जैक्टली लिचा अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज अ इज रिटन बाय किसका लिखा गया है शेक्सपियर का वर्ड्स का चार्ल्स लेम का या फिर बच्चों पीबी शैले का लोखट ने बोला है लोखट ने बोला है बिल्कुल सही बात है अर्चना लैम्ब कहा है बच्चों ने बहुत अच्छे सभी बच्चे अच्छे हो रहे हैं अब तो ये लैम्ब का है चार्ल्स लैम ने लिखा था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर सबसे बड़ी बात है बच्चों ये चिल्ड्रन वर्क है ये कैसा वर्क है इट्स अ चिल्ड्रंस वर्क बच्चों के लिए लिखी गई थी अब मुझे एक बात बताएंगे सब लोग कि जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है इसमें बच्चों टोटल कितनी टेल्स थी हाउ मेनी टेल्स देयर ये बताना है आपको क्योंकि ये कंबाइंड वर्क था किस किस का चार्ल्स लैम्ब का और बच्चों इनके सिस्टर मैरी लैम्ब का तो चार्ल्स और मैरी दोनों ने 1807 में इसको लिखा था तो हाउ मैनी टेल्स वर है टोटल और कितनी कितनी लिखी थी चार्ल्स ने कितनी लिखी थी मैरी ने कितनी लिखी थी एग्जैक्टली exactly. अच्छा ठीक है ट्वेंटी में से कितनी लिखी थी मैरी ने ट्वेंटी में से मैरी ने कितनी लिखी थी नहीं नहीं ट्वेंटी फोर नहीं बच्चों फोर्टीन प्लस सिक्स अच्छा अच्छा उल्टा कर दिया मैंने हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है क्योंकि मैरी की ज्यादा थी पे और बच्चों चार्ल्स ने 6। बिल्कुल ठीक है तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मैरी मैरीलैम चार्ल्स क्योंकि यहां पे आंसर मैरी मेरीलैम्ब नहीं है अदरवाइज तो मैरी मेरीलैम्ब आंसर बनता बाकी इन दोनों का कंबाइंड वर्क था अगले क्वेश्चन पे आएंगे सब बच्चे सिक्सटीन एटी सिक्स एटी सिक्स में देखो कितना बढ़िया है मैन इज अ गेमिंग एनिमल ही मस्ट ऑलवेज बी ट्राइंग टू गेट द बेटर इन समथिंग और अदर देख रहे हैं आप इस बात को कि मैन एक गेमिंग एनिमल है और वो हमेशा ट्राई करता है कुछ बेहतर पाने की समथिंग और अदर कहीं पे या फिर किसी अदर जगह पे तो पूछा है ये कोटेशन कहां से है टू किलम मॉकिंग एंड एशेजोपेलिया ओल्ड बेंचर्स या फिर बच्चों ब्लैंकवर से फोर्टीन कॉमेडी मैरी एंड सिक्स बिल्कुल ठीक है अर्चना वेरी गुड यह बहुत अच्छी बात है तो ये बच्चों लिया गया है बेसिकली एशेज ऑफ एलिया एशेज ऑफ एलिया से बहुत इंपॉर्टेंट है और एशेज ओफ एलिया आप जानते हैं एलिया कौन है बताओ एलिया कौन है हु इज एलिया एलिया बच्चों कौन किसने लिखा था चार्ल्स याद आ गई बात आपको चार्ल्स लैम तो चार्ल्स लैम हैड रिटन दिस एलिया बहुत अच्छे बच्चों वेरी गुड आंसर अब देखो क्वेश्चन नंबर 87 जाता है कि एलिनोड डैशवुड इज द मेन कैरेक्टर इन ये किस में मेन कैरेक्टर है एलिनोड डैशवुड प्राइड एंड पेजिस सेंस एंड सेंसिबिलिटी एमा या फिर बच्चों मेंसफील्ड शुडो नेम चार्ल्स लेम का exactly. एलिया था बहुत अच्छे आरूज ने करेक्ट जवाब दिया है ये बच्चों सेंस सेंसिबिलिटी है दो सिस्टर हैं जिनके नेम अलग अलग हैं एलिनोर एंड इलियम ऐसे करके हैं एक उनमें से सेंस है एक बच्चों सेंसिबिलिटी है और ये किसने लिखा है ये बताओ जेन ऑस्टिन ने ये चारों ही वर्क जेन ऑस्टिन के हैं करेक्ट बच्चों ये ओल्ड फोर वर्क्स हैव बीन रिटन बाय जेन है अगले क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ चार्ल्स लैम्ब कौन सा इनमें से चार्ल्स लैम्ब का नहीं है ये कह रहा है पहला वर्क आपका है ड्रीम चिल्ड्रन ये तो बच्चों हंड्रेड परसेंट है रेवरी है ओल्ड चाइना भी इन्होंने लिखा है डेजर्टेशन ऑन द पिक भी लिखा है लेकिन ये मार्बियन समझ में नहीं आया बच्चों मार्बियन किसने लिखा है, है? जरा बताना तो आप लोग वॉल्टर स्कॉट जी बच्चों बहुत अच्छे करेक्ट बात है मैक्सिमम बच्चों ने बता दिया श्वेता इट्स जी 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 बिल्कुल ठीक है तो ये बच्चों मार्मियन है जो किसने लिखा था वॉल्टर स्कॉट ने जहां तक मुझे याद आ रहा है इट वाज वॉल्टर स्कॉट दिस बाकी सारे हमारे चार्ल्स लैम के हैं अब देखो 89 में वो कहता है सब्जेक्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सब्जेक्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड मतलब सब्जेक्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ दे हैव बीन स्टडीइंग बीइंग स्टडीड अच्छा बच्चों इसको मैं समझ गया कोई बात नहीं क्वेश्चंस को हटा देते हैं ये क्वेश्चंस बच्चों इसमें पूरे हो गए कुछ आगे पेडागोजी वाले क्वेश्चन इसमें बन गए हैं आपके जिनको हम हटा देते हैं अब ये देखो सब बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे और मुझे बताएंगे आपको लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच करना है तो आप एक एक देख के बताओ इसमें किस किस को किस किस तरह से यूज करेंगे अगर बच्चों रिटोरिक हम देखें इन्वोकेशन देखें एपोस्ट्रॉफी देखें एसमस देखें तो इनमें से क्या क्या मेन बनेगा देखो जहां तक मुझे लग रहा है ऑप्शन तो सारे गलत हैं ये ऑप्शन बच्चों गलत हैं कोई सा भी फिट नहीं बैठेगा आप इसमें सीधा सा ये देखो कि एपोस्ट्रोफी का मींस क्या होता है यूज टू मेक अ डायरेक्ट एड्रेस टू द ऑब्जेक्ट बच्चों के का मीन होता है मेडअप टू फ्रेजेस इन सिंटेक्स एक्चुअली इसमें दो दो फ्रेजे होती है और दूसरे वाली पहले वाली की एकदम मिरर इमेज होती है इनवोकेशन का मीन्स होता है यूज टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द है ना और रिटोरिक होता है बच्चों यूज टू कन्विंस द ऑडियंस हाँ ठीक है बिल्कुल बच्चों बिल्कुल तो आंसर इसका वन टू थ्री फोर बन जाएगा आंसर क्या बनेगा यह बन जाएगा पकड़ में यूज टू इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट ऑफ द वर्क एपोस्ट्रोपी आप जानते ऑफ टू सिंटैक्स और रिटोरिक का मतलब होता है बच्चों वाकपटू एक ऐसा पर्सन जो बोलने बड़ा चतुर हो जैसे मोदी जी जैसे और लोग हैं और वो क्या करते हैं यूज टू कन्विंस ऑडियंस ऑडियंस को बड़ी जल्दी कर लेते हैं अब इसको बताओ मुझे फोर नंबर क्या कह रहा है इट यूज टू मेक अ डायरेक्ट एड्रेस टू द ऑब्जेक्ट इनवोकेशन वोकेशन कैसमस एपोस्ट्रोफी या फिर बच्चों बच्चे बताइए आप लोग क्या बनेगा किसमें हम डायरेक्ट एड्रेस करते हैं ऑब्जेक्ट को सी वेरी नाइस आंसर बच्चों का तो ये एपोस्ट्रोफी है बेसिकली क्या है ये बच्चों सारी की सारी हमारी लिटरेरी टर्म्स हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं ये कहता है इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे अभी इज अ 14 ये देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका बहुत अच्छा है इज अ शॉर्ट पोयम विद 14 लाइंस रिटोरिक है स्टेंजा है तरजराइमा है या फिर बच्चों सोनट है किसको कहेंगे कौन सी इनमें से फोर्टीन लाइन है सोनेट बनेगी एग्जैक्टली exactly. तो इट वुड बी सोनेट बाकी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे सोनेट को भी रिवर्सल ऑर्डर ये ये बताओ बच्चों सेवन नंबर क्या बनेगा इज अप ऑफ टू फ्रेजेज इन सेंटेक्स बट रिवर्सल इन ऑर्डर तो कौन सा हेरेटोरिक है एपोस्ट्रोफी इन वोकेशन है या फिर बच्चों के एग्जैक्टली कैसमस है अभी अभी सब बच्चों ने देखा था दूसरे वाला उसकी मिरर इमेज होता है एकदम रिवर्सल में बनता है अब इसको देखेंगे द वन विच इज रिलेटेड टू वर्स पहली बात तो पोएट्री से रिलेटेड है और वी कैन से इट इज द रूल ऑफ वर्सिफिकेशन यही वर्सिफिकेशन का बच्चों रूल बनाता है तो बताओ मीटर है राइम है स्टेंजा है या फिर बच्चों रिटोनो है रिटोरिक होगा ये लास्ट वाला रूबी ने सी कहा है राइम ओके okay, बाकी बच्चे बताएं राइम बनेगी एग्जैक्टली बच्चों इट इज द राइम तो हम इसे राइम कहेंगे तो राइम क्या है इट इज रिलेटेड टू वर्स एंड इट इज अ रूल ऑफ द वर्सिफिकेशन इसी पे बेस्ड हम वर्सिफिकेशन को देखते हैं अगला क्वेश्चन फिर से देखो रेपिटेशन ऑफ द राइम इसको बताओ बच्चों ये बड़ा अच्छा है इलेवन नंबर में मैच करो लिस्ट वन को लिस्ट सेकेंड से देखो क्या कहता है आएम्बिक पेंटामीटर लिरिक सोनेट या फिर बच्चों कपलेट कैसे कैसे बनाओगे आप भाई सीधी सी बात है आप सबसे पहले सोनेट को जोड़ोगे सोनेट क्या है फोर्टीन लाइन्स है ना पेयर्ड राइम लाइन्स ये कपलेट होती है हमारी यूज इन एपिक एंड ड्रामा पेंटामीटर एम्पेसाइजिंग साउंड एंड एसोसिएटेड विद म्यूजिक कौन सा बनेगा हमारा वन टू थ्री फोर ही है बिल्कुल सही है बच्चों ये चारों वन टू थ्री फोर बनेंगे और इसमें आंसर सभी गलत हैं फिर से ये कुछ गड़बड़ कर दिया है बनाने वालों ने ठीक है जी और बच्चों नाइन ओ हो चुके हैं हमारे है ना आज इतना ही वर्क कर लेते हैं हम लोग अब मुझे बताइए सब बच्चे मुझे बताएंगे कि क्या ये बच्चों छोटी सी क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही या फिर नहीं रही एंड हाउ मच हेल्पफुल इट इज लाइक like, मैं कहता हूं कि हम डेली वर्क कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा वर्क कर रहे हैं और जैसे होता ना कि कई बार वो चॉकलेट का एक बड़ा अच्छा सा मैसेज आता है एक ऐड आता है कि चलो कुछ थोड़ा सा मीठा हो जाए तो जैसे आज संडे है छुट्टी है बच्चे आराम पे हैं मस्ती कर रहे हैं तो चलो थोड़ी सी पढ़ाई हो जाए तो इसी तरह से हमने यहाँ पर कैडबरी को बना लिया ओके okay, बच्चों बहुत अच्छी बात है थैंक यू सो मच सभी बच्चों ने अप्रिशिएट किया है इसको बाकी क्लास को शेयर करें सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें है ना बच्चों चलिए मिलते हैं फिर कल लगे रहो सब बच्चे बहुत अच्छी बात है दैट्स ग्रेट के सभी बच्चे आ रहे हैं ठीक है ठीक है राधा बहुत अच्छी बात है और ठीक है बच्चों थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट टाइम बाय बाय गुड नाइट ठीक है जी प्रशा ऑल राइट तो बच्चों कल मिलते हैं फिर से ठीक है ठीक है साइस्ता ऑल राइट गुड नाइट प्यारे बच्चों